नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एपीएस की भर्ती है अपर निजी सचिव की, इस पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि फॉर्म फिलिंग की डेट 19 तारीख से प्रारंभ होगी, बट एक जो उन्होंने बोल सकते हो कि पेपर में एक नोटिफिकेशन की तरह जो बताते हैं उन्होंने बता दिया है, और मैंने जितनी भी जानकारी आपको पहले दी थी लगभग उसी तरीके से सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक सटीकता की तरफ जो परीक्षा प्लस जिसके लिए जाना जाता है वो एक बार फिर से सिद्ध हुई है। पिछली बार ये अनुमान था कि 300 के आसपास, लेकिन मैंने आपको बातों बातों में ये बोला था कि ये पद 325 प्लस 330 जाएगा और पद भी 328 की संख्या में है। अगर देखा जाए एक ऐसी वैकेंसी जो यूपीपीएससी की तरफ से हो और जिसमें एक स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगे, मतलब कि एक स्टेनो, एक अलग से स्किल मांग रहा है, ऐसे में 328 पद कम नहीं, इसे बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, है ना। इसे कम की तो संख्या बिल्कुल नहीं देंगे, एक तो ज़्यादा होता है, मैं इसे बहुत ज़्यादा की संख्या देंगे, क्योंकि स्टेनो वगैरह के पद जो होते हैं वो जनरली समूह खा गा गा और घा में भी इतने नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे तो क्या बात करें कि ग्रेड बोल सकते हो कि आपका एक गेस्टेड ऑफिसर की जॉब है और उसमें आपके 328 पद होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पद होते हैं, ये बात इस गंभीरता को समझिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन की डेट क्या है, आवेदन कब से है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एग्जाम कब तक हो सकता है, किताबें कौन सी होनी चाहिए, कोर्स हमें कैसे कौन सा कवर करना है, तैयारी कैसे करनी है, स्टेनो कब से कितनी देरी में सीख सकते हैं, क्या अभी अगर हम फॉर्म भरें तो अभी से हम एग्ज़ाम की डेट तक सीख सकते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के बारे में संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है और अब ये डिटेल नोटिफिकेशन 19 तारीख को दे देंगे, जब से आपको फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है, मात्र 2 दिन का आपको वेट करना है। और इसमें इन्होंने साफ साफ ये बताया है कि जो कुल पदों की संख्या है, रिक्तियों का विवरण अगर देख लिया जाए, है ना, रिक्तियों का अगर विवरण की बात किया जाए तो इसमें इन्होंने कहा है वर्तमान में प्रश्नगत परीक्षा है तो रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 328 है, जो कि परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। एक बात ध्यान देना कि यूपीपीएससी की किसी भी जॉब में वैकेंसी घटती नहीं है, बढ़ती है। और उसमें एग्जाम जो प्रीलिम्स का रिजल्ट होता है, मतलब कि आपकी स्टेज वन का रिजल्ट होता है, तब तक इसके अध्याचन लिए जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इसमें अभी 25-30 पद और बढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो ये फाइनली लगभग 350 पद तक ये वैकेंसी बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ेगा तो 328-330 पद भी कम नहीं होते हैं, बट लगभग 350 से 360 की वैकेंसी रहेगी और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है इतनी संख्या में। दूसरी बात, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने विज्ञापन के बिंदु 9 में शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इसमें क्या होता है, आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, कोई स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं मांगेगा, कोई स्पेशल कोर्स नहीं मांगता है। ट्रिपल सी अभी तक क्या था, लेकिन ट्रिपल सी के साथ साथ अब से क्या हो जाएगा, समकक्षता भी आ सकता है, तो बहुत सारे लोग इसमें जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर भी जो आपकी अहर्ता वाली बिंदु है, या बोल सकते हो इसकी वीडियो डिटेल वीडियो आशीष सर ने बनाया था, उसकी मैंने आपको लिंक इसे डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहां से आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या अहर्ता चाहिए होगा। बाकी आप 2 दिन वेट कर लोगे तो बिंदु 9 में इसमें सारी चीजें पता चल जाएगी। जो आयु सीमा है वो हमेशा से ही क्या रही है, 21 से 40 रही है, लेकिन एक चीज देखना कि इसमें जो कट ऑफ है वो 1 जुलाई से लिया गया है, तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं, इसको आप देखोगे तो 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद होना चाहिए, तो ये आपकी क्या है, आयु सीमा है। इसके अंतर्गत अभी आप आ रहे हो तो आप फॉर्म आवेदन करने के इसमें हो। बिंदु 10 जो है इसमें दिया गया है कि के लिए निम्नानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में जो है वो आपके बिंदु 10 में इसमें नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 19 सितंबर, आप देख सकते हो 19 सितंबर से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि दी हुई है वो आपकी 19 अक्टूबर दी हुई है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 19 अक्टूबर दी हुई है। ये सारी चीजें तो आपकी यहाँ पे जो संक्षिप्त विज्ञापन है इसकी बात रही, लेकिन सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी होती है वो होती है कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है,
क्या अभी तक जो सिलेबस होता आया है वही सिलेबस रहेगा या सिलेबस में बदलाव होगा। देखिए बहुत जगह सुनने में यह भी आता है कि सिलेबस बदल रहा है, बहुत जगह ये भी है। हालांकि मैं आपको बोलूं कि अभी चांसेस 50-50 है, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, दो दिन वेट करना है, दो दिन में ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सिलेबस इसका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदलेगा भी तो दो चीज़ ध्यान रखना कि इसमें हमेशा से ही पूछता आ रहा है जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी हमेशा से ही पूछेगा। एक चीज़ और समझना, जैसे इन्होंने इस पद को गजिस्टर्ड ऑफिसर का पद दे दिया है, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है, अपर निजी सचिव की पद की गंभीरता को देखते हुए इसमें पारंपरिक पेपर अवश्य पूछेगा जो ज़्यादा चांस है। तो अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि पैटर्न इसका जो पद की गरिमा है, जिस पद का जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उस हिसाब से ये बेस्ट सिलेबस रहा है, इसमें बदलाव नहीं होना है। लेकिन फिर भी अगर बदलाव हो जाता है तो उसमें कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी कोर्स खरीद रखे हैं, है ना, उन बच्चों को सबसे पहले मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा, सैकड़ों की संख्या में जो परीक्षा प्लस पे एक अपना विश्वास जता के अपनी तैयारी महीनों से जारी रखे हैं। बच्चों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर इसका सिलेबस बदल गया तो पूरा जो नया पैटर्न होगा उसके आधार पर आपको उसी फेज में पूरी क्लास दे दी जाएगी। बट एक चीज़ समझते हुए चलना कि इसमें सिलेबस बहुत कुछ बदलेगा नहीं, हिंदी पूछेगा ही पूछेगा, ये हो सकता है कि आपकी पारंपरिक की जगह ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो आरओ के सिलेबस के लगभग थोड़ा करीब लेके जाएगा, उसमें भी आपको पर्यायवाची विलोम हो गया, ये तो आपके टॉपिक कवर ही होंगे, वाक के शुद्धिकरण, उसमें वर्तनी का शुद्धिकरण होता है, ये भी आपका कवर हो जाएगा, छः टॉपिक होते हैं तो हो सकता है वो छः टॉपिक दे दें। बट एक चीज़ समझना कि अपर निजी सचिव है तो आपसे निबंध लेखन जरूर करवाएगा, पत्र लेखन जरूर करवाएगा, तो ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेबस यही रहे, आपको घबराना नहीं है, बट फिर भी बदल जाता है तो दो दिन के बाद जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एक मैं आपको और बता दूं कि ऐसे मित्र, ऐसे हमारे साथी जो अभी तक बैच नहीं ले पाए थे या फिर जिन्हें जीएस नहीं पढ़ना था, मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा हम पारंपरिक विषय का जो पेपर टू हिंदी विषय है उसका एक अलग से बैच लेके आएंगे मिनिमम फीस में, जिसमें आपको क्या कराएंगे, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ समझना कि जब पारंपरिक विषय होता है इसमें अगर आप जीएस का सिलेबस देखोगे तो जीएस का सिलेबस कुछ नहीं है, बट जो आपका हिंदी वाला सिलेबस है इसमें आपको 100 नंबर लाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी है। आरओ यारो में होता क्या है कि हिंदी केवल 60 नंबर की होती है और ऑब्जेक्टिव होता है, तो बच्चों को उतना टफ नहीं पड़ता है, वो वोकैब्स पार्ट में या अपना बोल सकते हो कि जो शब्दकोश अपना मजबूत करके 50-52 नंबर तो आराम से ले आते हैं, और 45 से 50 नंबर लाना इजिबल होता है, 50 से एक एक नंबर ओवर मुश्किल हो जाता है ना, जो बहुत अच्छी जिसकी तैयारी होती है वही 54-55 नंबर लाते हैं जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये भी सत्य है कि 45 नंबर तक लाना कठिन नहीं होता है, एक जनरल बच्चा जो शायद हिंदी नहीं पढ़ा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो अगर 4-5 महीने अच्छे से तैयारी कर लेता है तो उसके 45 से 50 के बीच में नंबर आ जाते हैं, जो आरओ एआरओ की सिलेबस की बात कर रहा हूं उसमें जो होता है। बट इसमें 100 नंबर है और पारंपरिक है, इसके हिंदी में ही निबंध भी दिया हुआ है, इसके हिंदी में भी संक्षेपण दिया हुआ है, इसके हिंदी में ही पत्र लेखन दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं इसमें अंक अर्जित करना थोड़ा सा एक कठिन कार्य होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, इसके लिए हमें एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए होता है, कि एक आपको बहुत अच्छा टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस है वो आपको बताए कि आप कहाँ पे त्रुटियाँ करते हो, सही पत्र लिखने का प्रारूप क्या होना चाहिए, निबंध लिखने का सही प्रारूप क्या होना चाहिए, कैसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए, भावनात्मक कैसे हम अपने भावना को कैसे एक सीमा के अंदर रखें निबंध लिखते समय, तमाम छोटी छोटी क्या होती हैं बारीकियाँ होती हैं जो एक अनुभवी अध्यापक ही आपको ये बता सकता है, मार्गदर्शन आपको कर सकता है, और उसके बाद उसके मार्गदर्शन पे आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा आपके निखार आ जाएगा, किसमें, एक तो आपका पत्र लेखन है, ठीक है, पत्र लेखन में उतना ही निखार आ जाएगा, एक आपका निबंध, दूसरा टॉपिक आपका है निबंध, ये भी आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही, और तीसरा है संक्षेपण, ये भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। तो ये तीन बिंदु जो आप सिलेबस के देखते हो, बिंदु संख्या 2 है, बिंदु संख्या आपका हिंदी निबंध है, और बिंदु संख्या आपका 3 है, 8 बिंदुओं में 3 बिंदु आपकी हाई प्रैक्टिस मांगते हैं, और इसीलिए हमने शुरू से ही आपको एक हाइब्रिड बैच निकाला था। हाइब्रिड बैच में हमने पूरी जीएस की आपकी क्लासेस दी थी, जो आपके पढ़ाने वाले, जैसे जीएस का विषय हो, अब आप तैयारी समझना, तैयारी आपको करना है तो किस प्रकार से इसमें तैयारी करना है, आपके 10 टॉपिक जीएस में है, और जीएस में 10 टॉपिक में एक जो 10वीं टॉपिक है वो जीएस नहीं वो मैथ है,
बाकी 9 टॉपिक आपकी जीएस है और 9 टॉपिक के जीएस में जो आपका पारंपरिक सामान्य अध्ययन है वो कौन कौन सा है, वो आपका हिस्ट्री है, वो आपका साइंस है, वो आपका ज्योग्राफी है और वो आपका पॉलिटी है। ये चार ही पोर्शन बिंदु संख्या 3, 4, 5, 6 जिन्हें आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होती है पढ़ने की या क्लासेस की आवश्यकता होती है, वो केवल 4 बिंदु था। और बाकी जो है जैसे एब्रीविएशन, इसमें क्या होता है फुल फॉर्म, एब्रीविएशन को आप दूसरे रूप में बोल सकते हो फुल फॉर्म, ये कुछ कंप्यूटर से शब्द से संबंधित होगा, कुछ आपकी प्रशासनिक जो शब्दावलियां होती हैं उनमें कुछ एब्रीविएशन यूज होते हैं, यहां से आपके कुछ एब्रीविएशन उठा सकता है। तो इसमें फुल फॉर्म होते हैं वो आपके केवल, वो आपके अलग से क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, एक आप बस अच्छे से शब्दकोश पढ़ लो और उन पे ज्यादा से ज्यादा क्विजेस अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सिमिलरली फेमस बुक एंड राइटर, इसमें किसी अध्यापक को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही आपको इसके लिए स्पेशल क्लास की आवश्यकता होती है। भाई कौन सी किताबें मुख्य हैं, वो किस विषय पे लिखी गई हैं और उनके राइटर कौन है, ये होती है किताबों की केवल नॉलेज, जो आपको एक टेबल में बना के दे दिया जाए, उसे आप बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। साथ में ही आपका जो स्पोर्ट्स है, किस प्रकार के खेल हैं, उसमें कौन कौन सी बिंदुएं होती हैं और उनमें कौन कौन से अवार्ड हैं, ये सारी चीजें आपका स्पोर्ट से संबंधित है। तो भी स्पोर्ट वाला टॉपिक इन दोनों टॉपिक से थोड़ा डीप है, बट ये दोनों टॉपिक तो बिल्कुल डीप नहीं है। इंपॉर्टेंट सिटीज, मेमोरस एंड बिल्डिंग्स, और ये भी क्या होते हैं स्टैटिक बेस्ड, जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये बाकी आपका क्या हो गया करंट अफेयर्स, जो सारी ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी होता है और जिसके लिए आपको खुद की मेहनत होती है। हमेशा करंट में मैं आपको सुझाव देता हूं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं वो घटना चक्र या घटना सार दोनों में से कोई भी एक किताब, क्योंकि दोनों में लगभग 99% इन्फॉर्मेशन सेम रहती है, चेंज होता है तो 1% सेम होता है। घटना सार जहां पे वार्षिक में अर्धवार्षिक अपना मैगजीन निकालता है उसे आप अर्धवार्षिक रूप में पढ़ सकते हो, या फिर घटना चक्र जो वार्षिक निकालता है उसे पढ़ सकते हो, साथ में आप मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल की पतली वाली किताब, या प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों ही किताबें बहुत ही बेहतरीन करंट की मानी जाती हैं और सालों से चली आ रही है। इनमें आपको किसी टीचर पे या किसी किताब पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंट नहीं होना है और करंट क्या है कुछ भी पूछ सकता है। ये ऐसा पार्ट है जहां आपको मेहनत करनी होती है लेकिन गलत भी सबसे ज्यादा होता है, तो ये आप यहां पे भी आवश्यकता टीचर की नहीं होती है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा था कि यहां पे जो सिलेबस है जीएस का, जो सिलेबस होता है वो सबसे आसान सिलेबस होता है। रही बात मैथ, मैथ में आपको एक टीचर की आवश्यकता होती है और इसी कारण से आपके कोर्स में मैथ के सिलेबस को मैंने पूरा अरिथमेटिक में प्रतिशतता देख लिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया जाए, लाभ और हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज देख लिया जाए, अनुपात और समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन देख लिया जाए, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका पार्टनरशिप हो गया, साथ में ही आपके औसत हो गया और एजेस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इन सब से मिलके क्या बनता है पूरा अंकगणित बनता है। और अरिथमेटिक आपके क्लास 8 लेवल तक होगा, मतलब जनरल अरिथमेटिक पूछेगा और ये आपका लगभग लगभग कोर्स में कंप्लीट भी करा दिया गया, एक दो चैप्टर बचे हुए, अनुपात समानुपात भी खत्म हो गया है, परसेंटेज वाला पार्ट भी खत्म हो गया, केवल आपके टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और आपका छोटे छोटे चैप्टर एवरेज बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट करा दिया गया। साइंस आपकी क्लास में चल रही है, ज्योग्राफी आपका यूपी वाला बचा हुआ है, ये वाला लगभग इंडिया, अच्छा ज्योग्राफी में भी आपका पूरा वैश्विक भूगोल नहीं पूछेगा, आपसे केवल इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, तो इसलिए इसे आसान बना देता है। इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भी कंप्लीट हो गया। तो जीएस के सिलेबस को ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ये वाला भाग था इसमें जो आपके संक्षेपण हो गए या पत्र लेखन, इस पे अरुण सर बहुत बेहतरीन क्लास आपको दिए हैं। हिंदी निबंध की आपको डेली प्रैक्टिस और क्लासेस दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारे आपके कवर हो जाएं। उसके बाद आपका संक्षेपण हो गया और पत्र लेखन, ये तीन आपको स्पेशल मार्गदर्शन चाहिए होता है और इसके बाद इसमें चाहिए होता है प्रैक्टिस। और इसीलिए हमने शुरू से ही आपके बैचेस में क्या कर दिया था कि आपको डेली आंसर राइटिंग कर दिया था, मतलब एक प्रकार का हाइब्रिड बैच जिसमें जीएस की क्लासेस, जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है उनकी क्विजेस, जो हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लासेस है उनका कॉन्सेप्ट, और जो आपके आंसर राइटिंग हो सकते हैं जहां पे आपको अतिरिक्त प्रैक्टिस की आवश्यकता है उनके आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे, ये चलता चला आ रहा है। और यही नहीं, सबसे अच्छी बात इस बैच की आपके लिए ये थी कि इसमें क्या था कि आपकी डेली आंसर रिव्यू जो हो रहे हैं, आपके जो कमियां हैं वो बताया जा रहा है। क्योंकि एक बात समझना कि इस पेपर में
एक बात समझना, कंपटीशन तो कम है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे आपके, लेकिन जो भी आएंगे 328 पद के लिए कंपटीशन देने के लिए पर्याप्त भी हैं, क्योंकि सारे बच्चे निखरे हुए ही आएंगे। ऐसा कोई नहीं आएगा कि जिसको बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड होते हैं, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। फ्रेशर बच्चे कम होते हैं जो कहीं सेलेक्टेड होते हैं, और जो कहीं सेलेक्टेड बच्चा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मेहनत करके जीएस में और हिंदी में करके आया है, अब उसे केवल अभ्यास चाहिए होता है। तो आपको भी जो अगर फ्रेशर हैं तो उनको तो अतिरिक्त अभ्यास करना है, उनको पढ़ना भी है, और जो बच्चे ऑलरेडी इसकी तैयारी पहले कर चुके हैं या ऐसे संबंधित किसी विषय वस्तु को पढ़ चुके हैं उनको केवल प्रैक्टिस करना है। तो ये इसी है जो हाइब्रिड बैच था उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती चली आ रही थी। प्लस मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको अलग से हिंदी का कोर्स लेके आऊँगा केवल इस वाले पार्ट का। अगर सिलेबस यही रहा, पैटर्न यही रहा, तब की बात करूँ, वरना जैसा होगा उस हिसाब से नया बैच आ जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो समझ में आ रही आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपको तैयारी इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से करते हुए चलनी है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी डिटेल होगा एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें टीम परीक्षा प्लस के द्वारा आपको बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन दिया जाएगा, बहुत बेहतरीन किस तरीके से आप तैयारी इसमें कर सकते हो। स्टेनो की बात रही तो क्योंकि इसमें स्पेशल स्किल स्टेनो मांगता है और स्टेनो आसानी से सीखा भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो, या आप पे खुद भी निर्भर करता है। एक औसतन स्टेनो सीखने में जो समय लगता है वो 9 से 12 महीने लगभग लगता है, और उसके बाद इसमें और भी स्किल डेवलप करने के लिए अतिरिक्त 1-2 महीने 3 महीने और लगते हैं। लेकिन अगर आप एक कड़ी मेहनत करते हो, आपका ये पार्ट तैयार है और आप फुल्ली डेडिकेटेड होते हो, क्योंकि गेस्टेड ऑफिसर का जॉब है, उसके बाद 4800 ग्रेड पे है, उसके बाद आपका अपर निजी सचिव ऑलरेडी ही बहुत रेपुटेटेड है, और सबसे बढ़िया बोल सकते हो कि इससे अच्छी वैकेंसी मेरे ख्याल से आपके लिए स्टेनो वाले के लिए कोई नहीं हो सकती है। एक शॉर्ट टर्म में, बस एक शब्द में ही मैं ये बोलूंगा, तो आप जी जान लगा दोगे तो जो 12 महीने 15 महीने में लोग कर सकते हैं आपकी इच्छा शक्ति में, वो 8 और 9 महीने में कर भी सकते हो। क्योंकि अभी आपका 19 सितंबर को इसका फॉर्म आएगा, लास्ट डेट 19 अक्टूबर रहेगी, उसके बाद कम से कम 3 महीना आपको क्या मिलेगा, 3 महीना आपको पेपर का मिलेगा। तो यहां पे सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, कुल मिला के 4 महीना आपको यहां पे मिलने वाला है। तो जनवरी में आपके जाके हो सकता है पेपर हो, अगर सब कुछ सही दिशा में सही रहा, और उसके कम से कम 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद कम से कम आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो आपका मार्च और अप्रैल में आपका स्टेनो होगा। तो ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास ट्रिपल सी है और इच्छा शक्ति है कि आप इसमें स्टेनो सीख सकते हो, तो सितंबर से अप्रैल तक की बात किया जाए तो 3-4 महीने आपको इधर मिल जाएंगे, और उसके बाद 3-4 महीने आपको उधर भी मिल जाएंगे, कुल मिला के 6-7 महीना मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि किसी का 12-15 महीने की मेहनत को आप 6-7 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैं इतना बोलूंगा कि जो बोल सकते हो कि एक्सेप्शन हर जगह है, और अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हो, हालांकि असंभव तो नहीं लेकिन कठिन है, ये मैं जरूर बोलूंगा, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसकी तैयारी जारी रखिए, अभी आप दुगना मेहनत दुगना ऊर्जा लगा दीजिए। शुरू से मैं आपको बोलता आ रहा था, शायद परीक्षा प्लस एक ऐसी टीम थी जिसने सबसे पहले आपको अपर निजी सचिव की जानकारी भी दी थी, उसके पैटर्न के बारे में, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी, और एग्जैक्ट कि कब तक ये आएगा, कब तक पेपर आएगा, सबसे सटीक जानकारी आपको परीक्षा प्लस शुरू से देती आ रही है। इसकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी भी शुरू से टीम परीक्षा प्लस करवाती आ रही है। जो बच्चे इसे जुड़े हैं उन्हें मैं आभार प्रकट करता हूं, उनसे आप रिव्यू लोगे तो ऑलरेडी टीम के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे कितनी ज़्यादा मेहनत टीम परीक्षा प्लस इस बैच के लिए कर रही है। और हमारा प्रयास है कि अभी अधिकतम, क्योंकि अभी तो लगभग मैं 450 से 500 बच्चे इसमें जुड़े हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा आप 328 के 328 पद पर चयन देना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं इतना लेकिन बोलूंगा कि मोर देन 70-60% जो सिलेक्शन होंगे वो परीक्षा प्लस से होंगे, ये मेरा एक मेरी एक सोच है, मेरा एक प्रयास है। और अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग भी साथ में मेहनत करोगे, जैसे हम आपको गाइडेंस देते आए हैं उसको फॉलो कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, एक आंसर कॉपी चेकिंग करवा लोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई रुक भी नहीं सकता। और मेरा जो ये सपना है कि 60-70% मिनिमम, अब मैक्सिमम लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कम से कम 180 से 190 सिलेक्शन मिनिमम देंगे, इस बात की भी गारंटी है, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आंसर राइटिंग रिव्यू का एक जो आपका ज़्यादा ज़्यादा आपका फायदा होता है वो ये है
कि आप खुद की कॉपी लिखते हो, खुद की जांच करते हो, तो वहां पे आप केवल अपनी गलतियों से सीखते हो। जहां पे आपके 300-400 बच्चे लगातार रोज कॉपी जमा कर रहे हैं और टीचर आके उन 300-400 बच्चों की कमियां कंबाइन करके कंक्लूजन करके आपको बता रहा है, तो आप अपनी गलती से तो सीख रहे हो, आप अपने साथियों के भी गलती से सीख रहे हो और वो आपको और बेहतर बनाता है। तो जहां पे आपकी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जहां पे ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, वहां पे टेस्ट हमेशा वहां पे आपको देना चाहिए जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे टेस्ट देते हैं, ताकि आप उनसे कॉम्पिटिशन समझ पाओ, उनकी गलतियों से सीख पाओ। इस कारण से आपके लिए ये वाला बैच और भी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाभकारी भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखोगे, एक ऊर्जा और डबल लगा दोगे अपनी तैयारी में और टीम के साथ सहयोग करोगे, अपनी मेहनत के साथ, टीम के मार्गदर्शन के साथ। और हम सबका जो लक्ष्य है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, अगर आप हमसे जुड़ते हो तो एक आशा से जुड़ते हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और हम भी अगर आपको जोड़ते हैं तो एक एक बिंदु पर, एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं कि इस बच्चे को हम सिलेक्शन करवा दें। चलिए, इन शब्दों के साथ यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगा, बैच में फिर मिलूंगा, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। जिस बच्चे को अभी भी बैच लेना है, इसका बैच चल रहा है, वो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर ले, वहां से आपका मिनिमम प्राइस में अभी ऑफर में 1475 इंक्लूडिंग GST के साथ आपका 1200 का बैच है, लगभग 5000 का बैच अभी ऑफर में चल रहा था। जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा उस बैच की फीस महंगी हो जाएगी, मैं पहले से बोल रखा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ही ये बात मैं बोल दिया था, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन उस मेन बैच की फीस महंगी हो जाएगी। तो अभी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, वैकेंसी आपके सामने आ गई है, अब लेट मत करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।